तो ये डेकोरेशन जो है हमारा पाकिस्तानी कल्चर के उसमें है कि हमें विरसे में मिला हुआ है। इस शोबे में तकरीबन 30 साल से हूँ। मेरे ये वालिद का काम था, तो वालिद के काम की वजह से हमें भी शौक़ हुआ, क्योंकि हमारे वालिद काम अच्छे करते थे, खूबसूरत करते थे। तो हमारे वालिद का जो काम था पूरे पाकिस्तान में, मतलब वो था, लोग तारीफ़ करते थे। Decorating and painting trucks and buses is one of the most popular art forms in Pakistan. The southern port city of Karachi is a center for this truck art. See, you won't find these kind of things in any other country than Pakistan, or maybe, shall I say, subcontinent. This is our culture. That's what people should come for. Proud to have this kind of culture in Pakistan. So, जो decoration होते हैं या कोई ऐसे मतलब आन है, मतलब ये कोई ट्रक ऐसे होता है कि वो बहुत decoration के साथ होता है। बिल्कुल, वो पसंद आता है इंसान। ये अपने दिल की बात है, जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा। अच्छा, आप पेंटिंग का तकरीबन 1.5 लाख रुपए लिए हैं उस पर स्प्रे हो, लेकिन ये महीना काम होता है इस पर, कलर वगैरह पूरा फ्रेम शो पूरा कलर होता है। ये जो हम मनाजिब बनाते हैं कि पंजाब का बना रहे हैं या सिंध का बना रहे हैं, बलूचिस्तान का बना रहे हैं, ये हमारे चारों सूबे के जो है कल्चर है वो इसको हम एक जगह कर देते हैं, तो हमारा जो काम है वो अलग ही नज़र आते हैं। कि ये हम लोग जो इस फील्ड के लोग होते हैं वो गाड़ी देख के अंदाजा लगाते हैं कि ये पिशावर की है। Trucking is a big business here. Goods that arrive at the port of Karachi are trucked to all corners of the country and on to Central Asia and Afghanistan. पोर्ट से तो बहुत मटेरियल आता है, केमिकल वगैरह हो गया है, खाद हो गया, उसके बाद खाद हो गई है, फर्टिलाइजर, गंदम हो गई है अमेरिका से, गंदम वगैरह, नेटो का सामान जा रहा है आजकल। यहाँ से मुख्तलिफ किस्म का मोबिल ऑयल, साबुन, खुराकी मेडिसन और जो कपड़ा, कन्फेक्शनरी आइटम्स, स्वीट वगैरह। हाँ, हाल में तकरीबन 3 साल से कारोबार में चल रही है। मुल्क के माशी हालात, महंगाई, डीजल महंगा और जैसे आलमी बुरान चल रहा है इस टाइम पे, इस टाइम हर बंदा जो है ना टेंशन में है, खरीदारी कम हो गई है, ठीक है। जो वहाँ पे बड़े बड़े डीलर थे वो बेघर हो गए, इन्वेस्टर थे बड़े बड़े पैसा इन्वेस्ट करते थे, अच्छा, वो मुल्क से बाहर चले। Truck artists say that the downturn in shipping due to the global recession and increasing violence in Pakistan has stalled their business as well. Lucky hasn't had a new commission to decorate a truck in over 6 months. सबसे ज्यादा खतरा जो है वो ये जो कंटेनर वगैरह आ रहे हैं, जो कंटेनरों का आने का सिलसिला हमारा यहाँ हुआ है, ये इससे ट्रक आर्ट मुतासिर हुआ है। दूसरा ये है कि बिज़नेस स्लो होने से ये भी हुआ है खतरा, ठीक है। दूसरा ये है कि हमारे यहाँ पे जितने लोग भी काम करने वाले हैं, ट्रक आर्ट से काम करने वाले और लोग वर्किंग करने वाले जो लोग हैं, but for most in the transport business the idea of putting a vehicle on the road without any decoration is still unthinkable. Without these rolling canvases the streets and highways of Pakistan would be almost unrecognizable. Pakistaniyon ka ek maqsad wo hai, ye culture hai hamara maqsad, aur ek cheez hai jaise apni apni pasand hoti hai insaan ki, किसी को जैसे कपड़ा अच्छा पहनने का शौक है, शूज़ अच्छे पहनने के शौक है, इसी तरह ये हमारा ट्रांसपोर्टरों का शौक है इस गाड़ी को मकसद डेकोरेट रखना। नहीं नहीं, वो तो फिर एक चीज़ है जो तो ऑलरेडी उसको तो खर्च करना है, वो तो रस्म ही चल ही रहा है, मकसद बिजनेस हो या नहीं हो उसको तो उसका मेंटेनेंस पूरा करना है।